भारत 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा और इस दौरान वह 3 प्रमुख क्षेत्रों समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षण और आतंकवाद को रोकने संबंधी विशेष कार्यक्रमों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत TS तिरुमूर्ति ने 15 राष्ट्रों के शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र निकाय की भारत द्वारा अध्यक्षता संभालने जाने की पूर्व संध्या पर एक वीडियो संदेश में कहा, हमारे लिए उसी माह में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालना विशेष सम्मान की बात है जिस माह में हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। प्रतिनिधि के तौर पर तिरुमूर्ति करेंगे अध्यक्षता। भारत की अध्यक्षता का पहला कार्यकारी दिवस सोमवार को 2 अगस्त को होगा जब तिरुमूर्ति महीने भर के लिए परिषद के कार्यक्रमों पर सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मिश्रित संवाददाता सम्मेलन करेंगे, यानी कुछ लोग वहां मौजूद रहेंगे जबकि अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी कार्यक्रमों के मुताबिक तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र के उन सदस्य देशों को भी कार्य विवरण उपलब्ध कराएंगे जो परिषद के सदस्य नहीं हैं। अगले साल दिसंबर में भी भारत करेगा अध्यक्षता। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के तौर पर भारत का 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। अगस्त की अध्यक्षता सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के तौर पर 2021-22 कार्यकाल के लिए भारत की पहली अध्यक्षता होगी। भारत अपने 2 साल के कार्यकाल के अंतिम माह यानी अगले साल दिसंबर में फिर सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत 3 बड़े क्षेत्रों समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षण और आतंकवाद रोकथाम के संबंध में 3 उच्च स्तरीय प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। समुद्री सुरक्षा भारत की प्राथमिकता। वीडियो संदेश में तिरुमूर्ति ने कहा कि समुद्री सुरक्षा भारत की उच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा परिषद के लिए इस मुद्दे पर समग्र रूप से रुख अपनाना जरूरी है। भारत आतंकवाद को रोकने के प्रयासों पर भी देता रहेगा बल। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहने वाले देश के रूप में भारत आतंकवाद को रोकने के प्रयासों पर लगातार बल देता रहेगा। तिरुमूर्ति ने कहा कि परिषद में भारत के पिछले 7 महीनों के कार्यकाल में हमने विभिन्न मुद्दों पर एक सैद्धांतिक और दूरंदेशी रुख अपनाया है। हम जिम्मेदारियों को निभाते हैं, उनसे डरते नहीं, हम सक्रिय रहे हैं। हमने अपनी प्राथमिकता वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। राजनाथ ने कहा, हमने सुरक्षा परिषद के भीतर विभिन्न विचारों के बीच अंतर को पाटने के प्रयास किए हैं ताकि सुनिश्चित हो सके कि परिषद आज की कई महत्वपूर्ण विषयों पर साथ रहे और एक सुर में बात करे। हमारी अध्यक्षता में हम यही करने की कोशिश करेंगे।